ठीक है अच्छा अगर और इसको बैलेंस भी कर लेते हैं इसको टू कर लेते हैं इसको भी टू कर लेते हैं अच्छा द नेक्स्ट वन मैग्नीशियम सही है एंड लास्ट वन एल्यूमिनियम रिएक्टिंग विद टू व्हाट्स इट गोइंग टू फॉर्म वट द मोर स्टेबल वन मुझे गिव द द फॉर मोर स्टेबल वन एल टू सी एल सिक्स में आपके पास L2, ही फॉर्म हो रहा होगा ठीक है बट आई डू बिलीव के एल एल सी एल थ्री भी कोई बच्चा लेब्लम तो नहीं होगी वहां पर मार्क्स आपके नहीं कटेंगे अच्छा तो ये होगा हमारे पास सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम दे रिएक्ट विग्रिसली विद क्लोरीन अच्छा फिर आ जाते हैं सिलिकॉन और फास्फोरस पे तो सिलिकॉन और फास्फोरस भी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा तो स्ट्रांगली रिएक्ट नहीं करते हैं दे रिएक्ट अ लिटिल बिट वेरी मतलब स्लोली रिएक्ट करते हैं व्हेन सिलिकॉन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इट फॉर्म्स SiCl4 Si Cl4 और जब फास्फोरस रिएक्ट करता है विद Cl2 So, आपके पास इधर जो है वो डिफरेंट मैं अभी फिलहाल जो है वो इक्वेशन आपके सामने क्या लिख रहा हूँ पीसीएल इन ऑर्गेनिकॉर्ड भी पड़ेंगे पीसीएल थ्री पढ़ेंगे तो आप पीसीएल करना चाहो आपकी मर्जी है आप जो है वो पीसीएल थ्री फॉर्म करना चाहो ठीक है वंस अगेन आपकी मर्जी है जो आपका दिल हो जो आपका इक्वेशन याद पड़ रही हो

ठीक है अच्छा तो हमें दोबारा से कुछ ऐसा ही ट्रेंड मिला जो हमने ऑक्साइड्स में देखा था कि ऑक्सीडेशन नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव एंड देन नंबर इंक्रीजिंग एक एक करके इंक्रीज कर करें और हमने इसका रीजन वहां पे देख लिया था ऑक्साइड्स में वंस अगेन क्लोरीन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दे सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम इन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव देयर फोर इट टेक्स द माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ये सारे लेते हैं प्लस और ये इंक्रीज क्यों कर रहे हैं एक एक नंबर से द रीजन इज बिकॉज सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन था लूज करने के लिए मैन्यूर दो थे, I mean, तीन इसके पास चार इसके पास पांच एंड एज मोर इलेक्ट्रॉन एज मोर वेलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट देर फोर मोर इलेक्ट्रॉन कैन बी गोनी ठीक है पीजी easy. अब आ जाते हैं chemical bonding पे. NaCl में कौन सी काइंड ऑफ बॉन्डिंग होगी

ख्याल है जॉइंट नहीं नॉट जॉइंट एनी मोर अ सिंपल मॉलिक्यूलर कोवेलेंट कंपाउंड ये आपके पास आ जाएगा सिंपल चीज बिल्कुल सही है एक्चुअली देन एस आई सी एल फोर इसमें कौन सी होगी एनी आइडिया सिंपल हाउ सिंपल इसलिए

एस आई इन द केस ऑफ अ क्लोराइड इज अंपल कोवलेंट कंपाउंड पीसीएल थ्री पीसीएल फाइव दिस इज ऑल्सो कोविलेंट एंड सिंपल एंड दिस इज ऑल्सो कोविलेंट एंड सिंपल ठीक है सो so ये बातें जो है वो हमें याद रखनी है ओके देन मूविंग ऑनवर्ड्स ऑब्जर्वेशन वेन एडेड टू वॉटर मैं सोडियम क्लोराइड को अगर पानी में डालूं तो क्या होगा वट इज द ऑब्जर्वेशन गोइंग टू बी हाँ जी क्या ख्याल है सोडियम क्लोराइड को अगर पानी में डाल दें या मैग्नीशियम क्लोराइड को पानी में डाल दें तो वट वुड बी अ वैलिड ऑब्जर्वेशन जब आप नमक को पानी में डालते हैं क्या होता है वट इज दर्वेशन सॉलिड डिजोल्व राइट वी डिस्कस्ड ऑल ऑफ दिस कि भाई आपको नजर आएगा कि सॉलिड डिजोल्व हो गया

एंड एसिडिक सोल्यूशन ठीक है कुछ कुछ डिफरेंसिस होंगे इन सबके तो वह हम देखेंगे इनशाला an दूसरी बात हमें जो है वो क्या पता होने की जरूरत है यू शुड ऑल्सो नो दैट यू विल गेट स्टीमी ऑफ एच सी एल विद एस आई सी एल फोर एंड पीसीएल फाइव

MgCl2 is also a salt, तो ये भी पानी में डिजोल्व कर जाती है ऐसा कुछ मतलब second, neutral solution, इसको हमने थोड़ा सा करना है हल्का सा ये बिलो आ रहा होता है the ये प्लस आ रहा है सॉरी प्लस नहीं क्यों लिख रहा हूँ mm, तो ये 6.5 आ रहा होता है एज फॉर एल टू सी एल सिक्स दी एच ड्रॉप टू अराउंड थ्री

और बस इसमें से आप लोगों को जो है वो मेरे ख्याल से ये याद रखना पड़ेगा कि SiCl4 थोड़ा सा इज बिहेविंग अ लिटिल बिट डिफरेंटली फ्रॉम अ जायंट स्ट्रक्चर ठीक है एंड देन ये सारी चीजें अभी तो हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कोई प्रॉब्लम विद दिस लास्ट टू रोस अभी हम डिस्कस करने वाले ओके okay. अब आ जाते हैं हम इधर अभी रिपीट करता हूं मैं ठीक है आई गो ओवर दिस अच्छा

वट इज द रीजन फॉर दैट ऐसा क्यों हो रहा है सारे आयन करें बट जनरली स्पीकिंग नॉर्मली ऑल आयोनिक वो याद है मैंने एक टेबल पढ़ाया था आपको नाइट्रेट सारे सोल्यूबल होते हैं कार्बोनेट्स मोस्टली इनसोल्यूबल होते हैं एक्सेप्ट फॉर सोडियम पोटेशियम एंड अमोनियम एंड वो भी सब चीजें तो वो जरूरी नहीं है सारे आयने कंपाउंड डिजोल्व हो जाए

थिंग इज कि सोडियम का जो ये वाला हो रहा है ना रिएक्शन सोडियम सिर्फ तो कर सकता पानी को इतना प्लस I mean I mean है एंड यू नो आपके पास एक वाटर मोलिक्यूल इज ने पार्शलीस इज डी प्लस एंड डी प्लस सो ये कुछ क्योंकि इस पे प्लस वन का ही चार्ज तो इतना ज्यादा इफेक्ट ये प्रोड्यूस नहीं कर पाता इस पे बट द प्रॉब्लम विद एमजी इज कि एमजी हैज अ बिगर चार्ज देन दी सोडियम एंड अ बिग इनफ चार्ज कि ये इस मॉलिक्यूल को क्या कर सके पोलराइज़ कर सके व्हाट डू आई मीन बाय द पोलराइजेशन ये हो सकता है कि एमजी 2 प्लस जब इसके करीब आए तो ये वाला जो ऑक्सीजन है वो इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स खींच ले कंप्लीटली और ज्यादा तो क्या होगा यहां से इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आने की पॉसिबिलिटी दट द इलेक्ट्रॉन ऑफ दी हाइड्रोजन जो ऑलरेडी ऑक्सीजन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन होता है ऑलरेडी थोड़ा बहुत अपनी तरफ खींच के रखता है के ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मजीद इधर ऑक्सीजन के पास खींच के आ जाए एंड देन देर इज अ पॉसिबिलिटी

समझ आई नहीं आई शुड गो अवेट अगेन क्लियर है इज इट क्लियर टू एवरी वन और ओनली वन स्टूडेंट If it's not clear, please, please, please मुझे बता दो अनस फातमा आमना अब्दुल रहमान अनम रुबैसा क्लियर है कि नहीं है माज दोबारा कर दें एक्सप्लेन देखो कुछ भी नहीं है द फैक्ट इज द Na ए ये पानी को पोलराइज नहीं कर सकता इतना पोलराइज तो नहीं कर सकता यानी इस बात का क्या मतलब है कि आप लोगों को सबको ऑलरेडी पता है कि ऑक्सीजन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन स्पेंडिंग मच मोर टाइम क्लोजर टू बीइंग इन द मिडल वो यहां पे होता है करीब कहीं ऑक्सीजन के पास राइट right?

न कॉज दी एच टू ड्रॉप अ लिटिल बिट बिलो से ठीक है इसी तरह एल्यूमिनियम भी यही करता है एल्यूमिनियम इज ऑल्सो स्पीशी दैट डज दिस एंड वी ऑल नो एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है एल्यूमिनियम टेक्स थ्री प्लस का चार्ज तो जब ये पानी में जाएगा तो ये तो मजीद और क्या कर लेगा उस इलेक्ट्रॉन को इधर खींच लेगा का right? इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ, ठीक है बहुत दर, इधर थोड़ा कम पुल हुआ था इधर काफी ज़्यादा पुल हो चुका है, एसिड बीन फॉर्म एंड देर फॉर देर फॉर दैट इज द रीजन बाय जो मैंने पीएच लिखी तो मैंने एल टू सी एल सिक्स की पी एच लिखी है थ्री क्योंकि ये पानी को इतना पोलराइज कर सकता है कि अच्छे खासे H प्लस रिलीज हो सकते हैं फॉर्म ठीक है इट कैन गो टू अच थ्री इज दिस ऑल्सो क्लियर कोई प्रॉब्लम अच्छा एज विद केस ऑफ क्या कहते हैं SiCl4 and uh, PCl5 uh, तो SiCl4 के साथ क्या होता है once again आपको ये memorize करना पड़ेगा because this is not going to come to you naturally the case with SiCl4 is that कि जब SiCl4 को आप पानी में डालते हैं तो it undergoes hydrolysis hydrolysis ये हम organic chemistry में काफी दफा देखेंगे but I want you guys to understand this loves what does a hydrolysis means

सो हाइड्रोलिसिस इज द प्रोसेस बाय विच वाटर इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन अ कंपाउंड इसे कहते हैं हाइड्रोलिसिस तो अभी जो एस फोर है इसको हम तोड़ेंगे इसके हम बॉन्ड तोड़ेंगे विद द यूज ऑफ वाटर Whenever you have a hydrolysis, उसमें हमेशा पानी इन्वॉल्व होगा पानी की मदद से बॉन्ड तोड़े जा रहे होंगे और ये जो रिएक्शन होता है इसमें आपके पास क्या फॉर्म होता है You get silicon dioxide, which we all know is sand, ठीक है and sand is insoluble in water. तो आप यहाँ पे और observation क्या दे सकते हो सॉलिड डिजोल्व तो हुआ लेकिन एक प्रेसिपिटेट बन गया एस करके टू का एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ठीक है अब ऑब्वियसली कुछ इसमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर जाएगा कुछ गैस की तरह एस्केप कर जाएगा आई एम राइटिंग इज गोइंग टू गिव मी ये

ये जो चीज फॉर्म कर रहा है अनरगो आफ्टर अनरगोइंग हाइड्रोलिसिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म कर रहा है एंड दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिसॉल्व्स इन वाटर एंड दैट इज अ स्ट्रांग एसिड तो यहाँ पे हमारे पास ये हो रहा है ठीक है एनी प्रॉब्लम्स विद द रिएक्शन ऑफ SiCl4 विद H2O ओके देन लास्टली PCl5 है हमारे पास डिसोसिएट कर जाता है इसके बॉन्ड टूट जाते हैं दीसीएल फाइव वेन एडेड टू वॉटर विल फॉर्म आपकी जानी में पहचानी प्रोडक्ट दैट इज फॉस्फोरिक एसिड एंड इट शेल ऑल्सो फॉर्म एच सी एल

H2O is in liquid state. ये आपको पता होने चाहिए so that you're not dumbfounded जब ऐसा कोई question आ जाए. इस बात पे आपका जो केमिकल periodicity वाला जो चैप्टर है ठीक है